जब आपके गुरु यानी पंडित कुंदन लाल गंगानी जी के बारे में भी एक खिड़की खुलती है आपके नजरिए से। हमने सुना है बहुत सख्त गुरु रहे वो, मतलब उनका गुस्सा बहुत मशहूर रहा उनके शिष्यों में, तो आपके कैसे तजुर्बे रहे उनके साथ? गुरुजी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब गुरुजी ने सिखाया, मेरे सामने गुरुजी के दोनों एस्पेक्ट्स हैं। गुरुजी का बेहद संवेदनशील पक्ष था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और 6-7 साल की, 8 साल की, तो गुरुजी कई बार यूं कंपटीशन के लिए, मुझे अभी भी याद है कि वहां देर हो रही है और बच्चे को तो 9 बजे सोने की आदत है, 9, 9:30 बजे, तो वो अपनी गोद में बिठा के टॉफी खिलाते खिलाते, बेटा बस अभी नंबर आ रहा है, बेटा अभी नंबर आ रहा है, अभी नंबर आ रहा है, ऐसा करके मैं मेरे को जगा देते थे, जगा के और कंपटीशन में हिस्सा। गुरुजी ने बहुत प्यार से सिखाया मुझे। और जैसे एक बार तब भी मैं 7-8 साल की रही थी, और दिल्ली में गुरुजी के गुरु पंडित नारायण प्रसाद जी, उनके याद में उनके बेटे श्री चरण गिरधर चांद, चांद भैया हम लोग कहते हैं उनको, उन्होंने दिल्ली में एक प्रोग्राम किया था नारायण प्रसाद जी गुरु जी के याद में, और तब गुरु जी से कहा कि वो मुझे लेकर वहां आए, तो मैं बहुत छोटी थी और यही 7-8 साल वाली उम्र मेरी थी, और गुरु जी लेके गए वहां। बड़े गुरु जी आए थे, सुंदर प्रसाद जी, तो सुंदर प्रसाद जी गुरु जी को मैंने तभी एक ही बार देखा, उसके अलावा मेरे को कोई मौका नहीं है देखने का उनको। उन्होंने मेरा नृत्य देखा और पापा मम्मी साथ में गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये इसको 3 दिन करवाओ, एक ही दिन करना था, मुझे 3 दिन का फेस्टिवल था। तो फिर गुरु जी को जब कहा कि 3 दिन इसको नचाना है, तो गुरु जी ने मुझे हर दिन कुछ नया सिखाया, मतलब हर दिन के परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने मेरे से नई तैयारी करवाई और मुझे 3 दिन परफॉर्म करवाया। और ये बात किसी को मैंने नहीं कही है, सिर्फ मेरी डायरी तक है कि जो मैं यहाँ बता रही हूँ आपसे। तो सुंदर प्रसाद जी गुरु जी ने कहा कि इस लड़की को मुझे दे दो, तो मेरे पापा ने मना कर दिया कि नहीं कि इसको दे दो तो इसको सिखाएंगे, तो पापा जी ने कहा नहीं, अभी तो सीख रही है, जैसा जयपुर में ठीक है, पढ़ाई करेगी बच्ची है। सो ये ऐसे ऐसे अनुभव रहे हैं। तो गुरु जी का ये संवेदनशील व्यक्तित्व मेरे सामने है, दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो इतने सख्त थे और इतने स्ट्रिक्ट थे कि हम लोगों का यहाँ पे कैंप होता था, समर कैंप जो, और शाम की क्लासेस होती थी, शाम की क्लासेस रेगुलर होती थी, और गर्मियों में कैंप्स होते थे 40 दिन के। तो शाम की क्लासेस में भी अगर 5 बजे का टाइम है, तो 5 बजे आप वो घुंघरू पहन के, दुपट्टा लगा के, और पिंस विंस, बाल बाल आगे नहीं आना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल इंटैक्ट करके आपको तैयार होना है 5 बजे का, मतलब आप 5 बजे आ रहे हैं ऐसा नहीं। और सुबह 7:30 बजे हम लोगों का कैंप शुरू होता था गर्मियों में, गुरुजी खुद भी आ जाते थे समय पे, हम 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकते थे, 7:30 पे शुरू हो जाता था और 10 बजे तक हम तत्कार करते थे। उसमें ना तो हमें बातचीत अलाउड थी और ना हम लोगों को लिखना अलाउड था और ना देर से आना अलाउड था किसी भी तरह से, मतलब इतने स्ट्रिक्ट थे। और जब हम तत्कार करते थे तो पैर आपको ऐसे ऐसे चलाना है, उसमें एड़ी नहीं लगानी, अगर एड़ी उन्होंने लगाई तो, किसी ने लगाई तो ऐसे हथौड़ी फेंकते थे पैर पे ऐसे जमीन पे धार से, तो आपके आके लग भी सकती थी वो। इस तरह के सख्त भी थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, जो कि जयपुर तक, दिल्ली में जाके मुझे लगा कि उन्होंने थोड़ा सा अपना बदला सारा मानस, और वो थोड़े से लीनियंट हुए, या तो इंस्टीट्यूशन की वजह से या दूसरे अन्य गुरुओं की वजह से, मुझे नहीं मालूम, पर वो जो यहाँ पे उनका था और उस समय उन्होंने जो सिखाया वो इतना जबरदस्त था कि राजस्थान पूरे में गुरुजी के बारे में ये कहा जाता है आज भी कि गुरु कुंदनलाल गंगानी जो हैं वो लकड़ी को भी नचा सकते हैं, ऐसा उनका उनकी इमेज बनी हुई थी कि वो लकड़ी को भी नचा सकते हैं, और ऐसा होता था। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जब जो आप बहुत अच्छे से हमको समझा सकती हैं, दरअसल
एक म्यूजिकल फैमिली चली आ रही है, एक लीनियस चली आ रही है कि साहब 10 घराने हैं, पीढ़ी से डांस कर रहे हैं या 5 पीढ़ी से तबला बजा रहे हैं और 7 पीढ़ी से गाना गा रहे हैं। तो एक उनके घर के बच्चे का तालीम लेना है और एक ऐसे घर के बच्चे का तालीम लेना जिसके यहाँ कोई म्यूजिक का बैकग्राउंड नहीं है, क्या गुरु के मिलने में दिक्कत आती है? मतलब अगर मैं आज कहूं कि मुझे मान लेते हैं अपने बच्चे को सिखाना है और मेरा कोई म्यूजिक का बैकग्राउंड नहीं है और मैं किसी बहुत घरानेदार आर्टिस्ट के पास लेके जाऊं, तो क्या उसके दिमाग में कुछ एक पूर्वाग्रह रहता है कि यह गंभीरता से नहीं लेगा? कैसे देखते हैं आप इस चीज को? और चूंकि आप खुद इसी तरह के वाक्य से गुजरी हैं, क्योंकि आपने भी बहुत परंपरागत गुरु से सीखा विदाउट अपनी किसी पृष्ठभूमि के, इस माहौल को किस नजरिए से आप देखती हैं? गुरु मिलना मुश्किल तो किसी भी हाल में होता है, क्योंकि गुरु गुरु अच्छा मिल जाए ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। सो गुरु को तो ढूंढना पड़ता है, ये तो तय बात है, और अचानक अगर आपको मिल गया तो ये आपका सौभाग्य है। तो गुरु और गुरु के मन में दोनों बातें रहती हैं, जहां तक मुझे मेरे गुरु जी का मालूम है नजदीक से, कि वो जो परिवार के लोग हैं, कि जो परंपरा से सीखते चले आ रहे हैं, उनके लिए उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होता ही है, और कहीं मन में ये होता है कि अच्छा ये तो सीख ही लेगा या सीख ही लेगी, ऐसा लड़कियों को तो सिखाते नहीं परंपरा वाले लोग, तो ये सीख लेगा ऐसा। और दूसरी तरफ वो उनको अच्छी तरह जानते हैं कि ये लापरवाह है, मतलब दोनों बातें, क्योंकि जितने परंपरा से लोग आते हैं वो उनके लिए ये उनकी रोजमर्रा की चीज है। तो जैसे कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब जो हिंदुस्तान में रह के जो व्यक्ति नृत्य या संगीत सीखता है वो उतना सीरियस नहीं होता है कई बार, जितना कि विदेश से आए बच्चे हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि हाँ, क्योंकि इसलिए कि उनको टाइम का मालूम है, उनको टाइम का सेंस मालूम है, उनको ये पता है कि थोड़े टाइम के लिए हमारे सामने है, और ये गुरु हमको फिर दोबारा, ये समय भी नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा, ये पैसा भी नहीं मिलेगा, जो भी है सब मिला के एक साथ। तो हम लोग यहाँ पे रहने पे तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वही बात है कि जो परिवार के लोग हैं, आप देखेंगे नृत्य में खासतौर से, कथक में तो मैं बिल्कुल दावे से कह सकती हूँ कि बहुत कम ऐसे उदाहरण हैं जहां पिता की तरह पुत्र निकल आए। और गुरुजी जब हमें सिखाते थे, तो क्योंकि मैंने गुरुजी के बेटे राजेंद्र गंगानी के साथ ही सीखा, तो बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई देता था कि गुरुजी इतना भी फर्क नहीं करते थे, इतना सा भी फर्क नहीं करते थे, बल्कि होता ये था कि डांट वो ज्यादा खाता था, मैं नहीं खाती थी तो डांट उसको ज्यादा पड़ती थी, मुझे नहीं पड़ती थी, और उसके लिए भी वो मुझे ही कह देते थे हाँ, या मेरी कोई गलती है तो उसको डांट देते थे, ऐसा कुछ होता था, तो वो पर मुझे नहीं डांटते थे। और ये गुरु के पास एक अद्भुत दृष्टि होती है कि किसको क्या देना है। सो वो ये कि किसके ऊपर क्या चीज सूट करेगी, कौन सी चीज उसके लिए अच्छी हो जाएगी, या वो उसे अच्छी तरह बरत लेगा कहना चाहिए। तो ये गुरुजी में भी मैंने देखा, और नजदीक से सबसे ज्यादा उन्हीं को देखा, तो ये दृष्टि गुरु में होती है। और जहां तक आपकी इस सवाल की बात है कि वो क्या ऐसा कुछ पार्शियल हो जाते हैं क्या, तो हाँ और ना दोनों है, होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, दोनों तरह से बात है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो परंपरा से चली आ रही है, जैसे बहुत सारे बोल हैं, बहुत सारी ऐसी बंदिशें हैं, तो उनको वो सोचते हैं कि ये घर में ही रहे तो अच्छा, तो हो सकता है कि वो ना सिखाएं कि वो, और या फिर उनका इतना ट्रस्ट होगा अपने शिष्य के अंदर तो वो उसे भरपूर दे देंगे, ऐसा मेरा ये अनुभव है। क्योंकि ये बिल्कुल सब्जेक्टिव बात है, हर आदमी के लिए अलग अनुभव होगा इसमें। सो मेरा अनुभव तो यही है कि मुझे गुरुजी ने शिष्य की तरह, मैं शिष्य थी और मैं शिष्य परंपरा से हूँ, उन्होंने जितना वो मैं मेरी शायद जितनी कुव्वत थी उतना उन्होंने मुझे दिया, और कतई कोई कोताही नहीं की उसके अंदर।
बल्कि कुछ चीजें ऐसी मुझे सिखाई जो अपने बेटे को नहीं सिखाई उन्होंने। तो इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूँ। गुरु प्रेरणा श्रीमाली जी के साथ इस बातचीत में यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और कल फिर हाजिर होंगे ठीक रात 10 बजे और इस बातचीत के दूसरे हिस्से को फिर देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।